के नादान कुछ मीरा ना थी, उसको भी खूब सौर था, पर क्या करे वह मन ही उसका, हो रहा मजबूर था। श्री कृष्ण आएंगे स्वयं, यह जानती थी गोपियां, वरना न मथुरा का नगर कुछ भी वहां से दूर था। चैतन्य सी मस्ती किसे आई भला संसार में, श्री कृष्ण मदिरा पी के हरदम हो रहा जो चूर था। श्री कृष्ण मदिरा पी करके हरदम रहा जो चूर था। हरे कृष्ण मैंने छंद ये लाचार हो करके लिखा, श्री कृष्ण पीड़ा से हृदय जब हो रहा भरपूर था। हो सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई, सखी सपने में एक अनोखी बात हो गई। किसको अनुभव हो रहा है, किस किस को लग रहा है कि हमारी मुलाकात धीरे धीरे आज कन्हैया से हो रही है, जरा दोनों हाथ उठाओ, और जिनके हाथ नीचे वो भी दोनों हाथ उठाओ। बंसी वाले की we'll be right back.
लोग कहते हैं भगवान से मुलाकात कैसे हुई। किसी संत से किसी ने पूछा कि बाबा कन्हैया से मुलाकात करने का कोई साधन है? बाबा ने कहा भजन किया कर। कहा बाबा इतना व्यस्त रहता हूं व्यापार में, भजन का समय नहीं है। अरे मरने तक की फुर्सत नहीं है, भजन के लिए समय कहां से निकालूं? कोई और रास्ता हो तो बता। बाबा ने अनेक साधन बताए, लेकिन उस व्यापारी ने कहा नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो वो संत समझ गए कि भाई इसके लिए तो ऐसा साधन बताना पड़ेगा कि इसके लिए सहज भी हो और कन्हैया की कृपा भी प्राप्त कर ले, क्योंकि भजन तो ये कर नहीं पाएगा, भजन करने का तो स्वभाव नहीं है। तो संत ने कहा तू एक काम किया कर, जब रात को थक हार करके अपनी दुकान का व्यापार करके वापस घर में आता है, हाँ आता हूँ, आने के बाद भोजन करता है, हाँ सरकार भोजन भी करता हूँ, भोजन करने के बाद नींद के लिए आराम करने के लिए अपने बिस्तर पे जाता, हाँ सरकार बिस्तर पे जाता हूँ, तो आराम के लिए सिर के नीचे तकिया भी लगाता होगा, हाँ सरकार तकिया भी लगाता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा लेकिन कन्हैया से मिलने के लिए इतनी इतनी इन बातों का क्या प्रयोजन? कन्हैया से मिलने के लिए तो कोई भजन का कोई साधन कुछ और हो तो बताओ। कहा भजन के लिए तो तूने मना कर दिया, तुझसे भजन होगा नहीं। कहा तेरे रोग का उपाय ये तकिया ही है, इस तकिए से ही तेरे पे कृपा बरस सकती है। वो व्यापारी समझ नहीं पाया, कहा बाबा मैं भगवान से मिलने की बात कर रहा हूँ, भगवान से मिलने के लिए लोग यप तप संयम नियम आदि करते हैं, तुम तकिए की बात कर रहे हो? कि हाँ भैया, क्योंकि तू इतना इतना व्यस्त है, तू भजन नहीं कर पाएगा, मंदिर नहीं जा पाएगा, जाप नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आराम करने के लिए नीचे तकिया तो लगाएगा सिर के? हाँ सरकार लगाऊंगा, बस तुझे एक ही प्रयोग करना है, जब सब कार्यों से निवृत्त होके आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर जाए और सिर के नीचे तकिया लगाए, तो आज से उस तकिए को तकिया ना मानकर बांके बिहारी की गोद मान लियो। वो तकिया नहीं, बस कुछ पलों के लिए ये मान लियो कि अब मैं आराम करने के लिए अपने ठाकुर जी की गोद में लेटा हूँ। मेरा दावा है तू एक मुलाकात की बात करता है, अरे हर रात तेरी मुलाकात होगी प्यारे। सखी कैसे मैं, सखी कैसे बताऊं करामात हो गई, सखी कैसे बताऊं करामात हो गई, और सखी कैसे बताऊं करामात हो गई, सखी कैसे, अरे क्या करामात हो गई,
क्या हुआ? धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगे, धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगे, धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगे, धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगे, मुझ बिरहन को दिल से लगाने लगे, मुझ बिरहन को दिल से लगाने लगे, ओ मुझ बिरहन को दिल से लगाने लगे, मुझ बिरहन को दिल से लगाने लगे, मेरी अखियों से, मेरी अखियों से अश्कों की बरसात हो गई, मेरी अखियों से अश्कों की बरसात हो गई, मेरी अखियों से ने कहा कि जब मुलाकात हो गई तो फिर आंखों से बरसात क्यों, रोई क्यों तू? कहा बाबरी, जरूरी थोड़ी है कि दुख में ही रोया जाता है, कभी कभी अधिक प्रसन्नता मिल जाए, सुख मिल जाए, तब भी आंखों में पानी आ जाता है। मेरे जज्बात जब आंसू बनकर जमी पर गिरने लगे, मेरे जज्बात जब आंसू बनकर जमी पर गिरने लगे, ये वही अल्फाज थे जो जुबान तक पहुंच ना पाए थे। yeah, yeah. मेरी अखियों से अश्कों की बरसात हो गई, मेरी अखियों से अश्कों की बरसात हो गई, ओ मेरी अखियों से अश्कों की बरसात हो गई, अब अपने मैं दिल की कहूँ, मैंने सोचा अब अपने मैं दिल की कहूँ, मैंने सोचा अब अपने मैं दिल की कहूँ, मैंने सोचा अब अपने मैं दिल की कहूँ, ये जुदाई का दर्द मैं कब तक सहूँ, 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 यही सोचते ही सोचते बर्बाद हो गई, यही सोचते ही सोचते बर्बाद हो गई, यही सोचते ही सोचते बर्बाद, लेकिन सपने में कनों की बात हो गई, सपने में कनों की बात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, yeah।
श्री राधे। अपने साजन की पागल दीवानी हुई, अपने साजन की पागल दीवानी हुई, अपने साजन की पागल दीवानी हुई, अपने साजन की पागल दीवानी हुई। ऐसी चित्र विचित्र की कहानी हुई, ऐसी चित्र विचित्र की कहानी हुई, ऐसी चित्र विचित्र की कहानी हुई, ये सौगात हो गई। मिली उसकी झलक ये सौगात हो गई, ओ मिली उसकी झलक ये सौगात हो गई, उसकी झलक ये सौगात हो गई। सखी सपने में कनों की बात हो गई, सखी सपने पुकारिए कनों की बात हो गई, सखी सपने में कनों की बात हो गई, सखी सपने में कनों की। अब एक बार हम गाएंगे बड़ा अभी ये हाथरस वाली आवाज नहीं है। सावरे से सावरे से सावरे से अभी थोड़ी और कसर है। सावरे से सावरे से सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात, ना 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 ना, सावरे से मेरी मुलाकात, ना 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 ना, एक बार आप सभी गाएं। सखी सपने में कनों की बात हो गई, सखी। अच्छा अब एक बात बताओ, किस किस के सपने में हुई है? कोई बात नहीं है, जिनके सपने में नहीं हुई झूठ मुठ कही सचमुच हुई। हम अगर झूठ भी कहेंगे तो वो सच कर देंगे, क्या पता आज ही हो जाए। सखी सपने में कनों की बात हो गई, बस भाव बनाना है। हो सखी सपने में कनों की बात हो गई, सखी सपने में कनों की बात हो गई। सावरे से सावरे से सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, सावरे से मेरी मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई, सखी बात हो गई, मुलाकात हो गई, मुलाकात हो गई, सखी बात बात हो गई। जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास।
श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।